नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत है कमल वर्मा के यूट्यूब चैनल में। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक संगीत से जुड़ी नई वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कहरवा का प्रकार। कहरवा का वो प्रकार भी है, एक गाना है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ भी बजा है, जितने पैटर्न ढोलक में बजे हैं, वो सारे पैटर्न आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इस गाने में तो दो तीन पैटर्न बजा है बस, तो वो पैटर्न आप लोग सीखेंगे। और इस गाने में जो जो बोल इसका है, मैं आप लोगों को सारे बोल एक एक करके बताऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, आप लोग लिखते जाइए और उसको सीखते भी साथ में जाइए। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप तो ढोलक के माध्यम से, नए नए पैटर्नों के माध्यम से कुछ अच्छा सीख सकें, आगे बढ़ सकें। तो आइए सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए पहले आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम गाने में कहां से इसका पैटर्न स्टार्ट होता है। आइए शुरुआत में तो श्लोक बोला जाता इसमें है, उसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सॉन्ग है, गाना है ये, इसके मुखड़े से ये पैटर्न स्टार्ट होता है। जिसका बोल है आप लोग इसका बोल लिख लीजिए। मुखड़े से जो हमारा स्टार्ट होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब होता है सत्यम शिवम, चार बार है तथा तथा, आप लोग इसके बोल लिखते जाइए। मैं एक एक बोल बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ, आप लोग इसके बोल लिखते जाइए और साथ में सीखते भी जाइए। और बाद में मैं इन सारे बोलों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग वहां से भी लिख लेना। तो पहले चार बार है तता तता। तता तता कैसे बजता है आप लोग जानते ही हैं, पहली वाली फिंगर से चाटी पे, यहाँ किनार पे पहली वाली फिंगर से, इस वाली से। इसके बाद में बायां पट लगता है हमारा है। पहले चार बार है तता तता, तो आइए हम दो दो बजाते हैं। तता दो बार, तता सत्यम शिवम, चार बार हो गया। उसके बाद में पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है, इसका बोल है धा तधिना धिन ततातिट ततातिट, धा तधिना धिन ततातिट ततातिट, धा तधिना धिन ततातिट ततातिट। ये देख लीजिए एक बार फिर से, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये है इसका बोल है धा तधिना धिन ततातिट ततातिट, यही बज रहा है। तो आप लोग बोल लिख लीजिए, पहले चार बार हो गया तता तता धा तधिना धिन ततातिट ततातिट, धा ता धिना धा ता धिना धिन ताता तिट ताता तिट। आइए ये बजेगा कैसे आप लोग देखिएगा। सबसे इसका पहला बोल है धा, तो धा हमारा ये पहली वाली फिंगर से बजेगा। धा तो आप सभी लोग बजाना जानते ही हैं, धा और धी ता ना ये सब कैसे बजता है। तो धा हमारा ये, यानी इस फिंगर को मिला के और इधर बाएं में ये गुमकार इसे कहते हैं ये। इसके साथ में धा, उसके बाद में धा के बाद में है त धिना। तो
हमारा धा हो गया, उसके बाद में तधिना, धा तधिना, धा के बाद में ता, इसी फिंगर से बजेगा ता, और उसके बाद में इन दो फिंगर से धी बजेगा, इसके साथ में बाया लगेगा धी, इधर हम ऊपर दो उंगली मारेंगे, इधर ये और इसके साथ में ये, यानी ये इस दो उंगली के साथ में बाया भी लगेगा ये, तो हो गया धा ता धी ना, धा ता धीना, इतना हो गया धा ता धीना ता धी ना, धा ता धीना। उसके बाद में है धिन, हमारा धिन पहली फिंगर से जिससे हमने धा बजाया था उसी से हमारा धिन बजेगा, धी और ना, धी ना, ना इससे बजेगा, तो हो गया धा ता धी ना धी ना, धा ता धीना धिन, धा ता धीना धिन, धा ता धी ना धी ना। एक बार फिर से देख लीजिए, धा ता धीना धिन, धा ता धीना धिन। उसके बाद में ताता तिट ताता तिट, दो बार ताता तिट ताता तिट, ताता तिट, हाँ ताता, ताता पहले बार, ताता तिट अलग कर लीजिए, ताता हमारा दो बार इससे बजा लीजिए, और हाँ इसके साथ में हम ये पट भी लगा सकते हैं, चुटकी भी लगा सकते हैं, ये ताता ताता ताता, तो दो बार ताता पे हम चाहे पट कर ले या चुटकी मार ले, ताता या ताता, इसके साथ में ताता ताता, या देख लीजिए ताता या ताता, ये भी कर सकते हैं, चुटकी भी लगा सकते हैं, ये है, तो हो गया हमारा ताता। उसके बाद में तिट, तो तिट इसी फिंगर से तीट, बस ता ता तीट, यानी लगातार तीन बार ये फिंगर लगेगी ता ता और ती पे, ता ता तीट, ये हो गया, तो पूरा इसका पैटर्न देखिए, धा ता धीना धिन ता ता तीट ता ता तीट, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, सिलो सिलो, पहले धा, धा हमारा हो गया सेम धा, उसके बाद में ता, ता इसी फिंगर से, यानी पहले धा फिर ता, उसके बाद में धी, धी हमारा लो फिंगर से बजेगा, धी बाया ये लगेगा हमारा साथ में धी, उसके बाद में ना, धा ता धी ना, धा ता धीना। उसके बाद में है धिन, धी धी हमारा इस फिंगर से बजता है धी ना, अब क्या हो गया धा ता धीना धिन, अब वही ताता तिट ताता तिट, ताता दो बार, ताता के साथ में बाया चुटकी लगा सकते हैं, पट भी लगा सकते हैं, ताता और फिर इसी फिंगर से ती च, तो आइए पूरा पैटर्न बजाते हैं गाने के साथ में, सत्यम शिवम सुंदरम, सीखते हैं अंतरे में क्या है, रामू अवध में एक बार केवल है, रामू अवध में यहां से मशहूर होता है, रामू अवध में
में के बाद में ये पैटर्न शुरू होता है, केवल एक बार बजता है रामो अवध में, वहां पे थोड़ी म्यूजिक है कैसे रामो अवध में, एक दो तीन चार रामो अवध में, काशी में शिव काना वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा कृष्ण शरणम सत्यम शिवम। अंतरे से हमारा जो पैटर्न स्टार्ट होता है वो कोई अलग दूसरा नहीं है, हमारा वही पैटर्न है धा ता धिना धिन ता ता तित ता ता तित, यही लगता है रामो अवध में धा ता धिना धिन ता ता तित ता ता तित, केवल एक बार हमें बजाना इसको है। उसके बाद में थोड़ा सा वहां पे रुका है, काउंटिंग वही है एक दो तीन चार धा ता धिना, फिर वहां से शुरू होता हमारा है। तो ये है अंतरे का पैटर्न। उसके बाद में धा त धिना धिन तत तित तत तित, उसके बाद में फिर थोड़ा सा यहाँ पे कहरवा बसता है जब वहां पे आता है दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो, यहाँ पे थोड़ा अगे नेक्स्ट लाइन से अंतरे की दूसरी लाइन है वहां से दया करो प्रभु, तो धित धाना तित धाना धित धाना तित धाना, ये बोल वहां पे कहरवा हमें बजाना है। तो हमारा तक लगता है ता, तक कैसे बजेगा ता और इसके साथ में बाया दोनों तक, साथ ही साथ में तक तक धित धाना तित धाना धाना धित धाना, तो आइए कहरवा सीखते हैं जो बजा है।